एक तो इमरान भाई की हेल्प देनी है। हेल्प देनी है? हाँ जी हाँ जी, इमरान भाई की हेल्प आई हुई है माशाल्लाह। आपको बताना था कि हाथों से जो है ना सरप्राइज दें भाभी साहिबा को। हाँ जी, तो आपने एक एक गिन के देना है कि जो आप बहन ने दिया है उनको भी पता चले कि पूरे ये है। एक, ये दो हो गए, तीन। तबीयत बिल्कुल ठीक है? चटनी बना रही हो? जी। खाना खाना है? वो जो ये स्ट्रिप लेजर लगाया है फ्रिज को, कैसा रिएक्शन आ रहा है आप फ्रिज का? जबरदस्त चल रही है माशाल्लाह जी। प्यारे व्यूअर, अभी जो है ना हम जा रहे हैं उधर जिधर जो है ना दूसरा सरप्राइज देना है ना। और बेगम माशाल्लाह जी, प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना एक और भी आपको सरप्राइज देना है, क्योंकि जिसकी हेल्प जो है ना देनी है तो उनका जो है ना उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल व्लॉग बना सकते हैं क्योंकि सारे अपनी वीडियो में डाल देना। तो अभी चलते हैं, और यानी कि एक किस्म का जो है ना फेस रहे वाला है, और आप सब बहन भाइयों को दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि सब बहन भाई ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और बाकी घर वाले भी बिल्कुल ठीक हैं। जो बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामल अता फरमाए, जो बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, जो बेरोजगार हैं अल्लाह पाक उनके रिस्क में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नए दुआ के साथ हमारा सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है चैनल कर ले सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करना है, और वीडियो को एंड तक देखना है। माशाल्लाह जी, मौसम का हाल देखें, बादल जो है ना बिल्कुल गहरे होते जा रहे हैं, और धूप अभी नहीं है फिलहाल, पहले थी, अब बादल जो है ना गहरे होते जा रहे हैं, और गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है। आज लगता है ऐसा है कि आज बारिश जो है ना आने वाली है, तो बारिश भी आ सकती है, आ जाए तो माहौल फिर से ठंडा हो जाएगा। तो माशाल्लाह जी, जैसा कि कल वाली वीडियो में जो है ना मैंने बताया था कि दो सरप्राइज और भी हैं, और वो दो सरप्राइज जो है ना आज मैंने देने हैं इस वीडियो में, और आपको बताएंगे कि किस किस के जो है ना सरप्राइज हैं, और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वीडियो जो है ना आज की ज़बरदस्त और VIP होने वाली है। माशाल्लाह जी, प्यारे बहन भाइयों, आज जो है ना हमने वॉशिंग मशीन की जो है ना इफ्तिताह कर दिया है। आज बेगम साहिबा ने ये देखें, ये सारे कपड़े जो है ना बस मिनट भी नहीं लगाया, एक घंटा से थोड़ा टाइम लगा है कि ये कपड़े सारे जो है ना धुल गए हैं। आज मज़े से जो है ना कपड़े भी धो रही थी, और आराम से घर के जो काम है वो भी कर रही थी। ये देखें, वॉशिंग मशीन हमने चलाई थी आज, और बिल्कुल इसको साफ़ करके ना कपड़े धो के बिल्कुल इसको साफ़ करके हमने खड़ा दी है। मैंने कहा चेक तो करें कैसी चलती है, तो बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त और VIP चल रही थी, और इसकी 5 साल की गारंटी भी है मोटर की, असल कॉपर वायर में जो है ना मोटर है इसकी। तो अभी जो है ना फिर ये हो गए हैं कपड़े माशाल्लाह, और कपड़े तो इतना होते नहीं हैं हमारे, थोड़े होते हैं, क्योंकि दो दो सूट, एक एक सूट, दो दो सूट तो हमारे हैं, ज़्यादा तो नहीं है, तो इसी वजह से जो है ना फिर हमारा टाइम इतना नहीं लगता वॉशिंग मशीन पे, यानी कि चलाने में बस आधा घंटा लगता है कपड़े, आधा घंटा या घंटा लग जाता है, कपड़े जो है ना धुलाई हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि घर में जो है ना कौन कौन है, और कोई आया हुआ है नहीं आया, और क्या कारोबार हो रहे हैं, और क्या रूटीन है सुबह की, आपको दिखाते हैं। और आप जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि बेगम साहिबा ने जो है ना अभी आके हल्ला गुल्ला मचा दिया कि आप जो है ना बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है कि जिसकी जो है ना हेल्प होती है वो जल्दी देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो है ना कोई घर के कितने अखराजात होंगे, कितनी परेशानियां होगी। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, और इसी वजह से जो है ना मुझे आप ले आई है ना जी। मैंने सोचा कि जिसकी हेल्प है जल्दी दे रहे, उसके कोई काम आते हैं नहीं आते हैं इसलिए। हाँ जी, काम आते हैं, और ये भी एक हमारे सार के ऊपर जो है ना वजन होता है, क्योंकि किसी की जो है ना हेल्प जो आनी चाहिए वो दे दे तो हमारे सर के ऊपर वजन होता है, ठीक है ना। तो ये है कि आज मशीन पे कपड़े धोए हैं। हाँ जी, कैसा लगा फिर आपको धो के? क्योंकि आज मुझे ना बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे इतना मेहनत भी नहीं लगी है, और मशीन पे कपड़े धुलाई, और फिर मेरे वो दूसरी सिलाई मशीन कब चलाओगी मेरे कपड़े सिलाई करने? वो ना कल शुरू करेंगे। कल? हाँ जी, गोटे ले आया हूँ, गोटे आ गए हैं, तो काल ना शुरू कर देंगे, ऐसी कौन सी बात है। हाँ जी, ये आपने जल्दी कर देना, ठीक है ना। हाँ जी। और सलाम कर दें सब बहन भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बाकी घर वाले माशाल्लाह ठीक है। हमारा सुबह का भी लोग जो है स्टार्ट लोग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच सके। हाँ जी, जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें जो न्यू हमारे बहन भाई देखने वाले हैं, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, फिर जो हमारी न्यू आने वाली वीडियो होगी वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ये ना हो कि सर्च करते रहें भी क्या नाम है चैनल का, क्या है क्या नहीं है, फरूक विलेज व्लॉग को सर्च जो है ना करते रहे। और चैनल का जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि नाम जो है ना चेंज कर दूँ जी, क्योंकि पूरी फैमिली या आपके नाम का, या आपके नाम का रख लूँ या फरूक फैमिली व्लॉग रख। हाँ जी, क्योंकि पूरी फैमिली है तो एक आप। हाँ, आप तो पूरी फैमिली है। हाँ जी, पूरी फैमिली माशाल्लाह आ गई है। और भी एक खुशी की बात है कि आप जैन जो है ना, जैन की अम्मी भी कह रही है वो आ जाए, फिर तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी, ज़बरदस्त वीआईपी माहौल वाले जो व्लॉग ना, ऐसे व्लॉग बनेंगे ऐसे ज़बरदस्त। और आप सब बहन भाइयों के इंशाल्लाह सपोर्ट के साथ, और सब बहन भाई इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहें और अच्छे अच्छे व्लॉग इंशाल्लाह सब बहन भाइयों से शेयर करते रहेंगे। और अभी जो है ना हम इधर आए हुए हैं, क्या करने आए हैं आज ना? एक तो इमरान भाई की हेल्प देनी है। हेल्प देनी है? हाँ जी, हाँ जी, इमरान भाई की हेल्प आई हुई है माशाल्लाह। आपको बताना था कि इमरान भाई की माशाल्लाह हेल्प आई हुई है, और इमरान भाई है नहीं इधर, इमरान भाई गए हुए हैं नादिया सिस्टर के यहाँ, और हमने सोचा कि उनकी जो है ना बेगम को दे देते हैं, यानी अपनी भाभी साहिबा को दे देते हैं। तो इमरान भाई से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मेरे घर जो है ना मेरी बेगम को दे दो, तो इसी वजह से जो है ना हमने कहा चलो भाभी साहिबा को दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, तो उनको जो है ना देते हैं। आपको दिखाएंगे कि कितनी हेल्प जो है ना इमरान भाई की आई हुई है, और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो जो है ज़बरदस्त होने वाली है। चला जी, पहुंच चुके हैं अब इमरान भाई के जो है ना कमरे में। हाँ जी, और इधर जो है ना बेगम साहिबा भी आ चुकी हैं, और मैंने कहा अपने हाथों से जो है ना सरप्राइज दें भाभी साहिबा को। हाँ जी, तो आपने एक एक गिन के देना है कि जो आप बहन ने दिया है उनको भी पता चले कि पूरे पैसे जो है मिल गए हैं, और सब बहन भाई भी देखें कि पूरे जो है ना पैसे मिल गए। आपने एक एक गिन के देना है, ठीक है ना? हाँ जी भाभी, ये है एक, ये दो, दो हो गए, तीन हो गए, ये चार, चार हो गए, ये पांच, पांच भी हो गए। हाँ जी, ये छह भी हो गए, और ये सात, सात भी हो गए, आठ, आठ, ये नौ, और ये दस। माशाल्लाह जी, ये 10,000 की जो है ना इमदाद थी इमरान भाई की, माशाल्लाह उन तक पहुंचा दी है। और भाभी साहब आपने सिर्फ दुआ करनी है सिस्टर के लिए कि अल्लाह पाक उनको तरक्की दे मजीद, और उनके बच्चों के लिए भी बहुत सारी दुआएं कर देनी है, ठीक है ना? क्योंकि भाभी साहिबा जो है ना व्लॉग में नहीं आती, तो हमने कहा ऐसे बेपर्दगी तो नहीं करनी चाहिए, वो उनका अपना मामला है, वो जैसे अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेगा। और अल्लाह पाक की देन देखें कि आज दूसरा दिन है कि इमरान भाई इधर से घर का सामान बेचकर किराया लेके खानपुर गए हैं सिर्फ चैनल की खातिर, ताकि चैनल जो है ना मेरा ग्रो हो सके। और इतनी यानी कि कहते तो हैं कि यूट्यूब बन गया, अभी इनके पास पैसे आ गए, हमें पता है कि कितनी मेहनत जो है ना लगती है, और अपने बीमार बच्चे छोटे छोटे छोड़ के वो चैनल की खातिर खानपुर गए हुए हैं। तो सब बहन भाइयों ने भरपूर सपोर्ट करनी है इमरान भाई की भी, और काफ़ी जो है ना दोनों भाई जो है ना, घर तो हमारा एक है, आपने देखा है घर के हालात, और खाने पीने के हालात दोनों के एक हैं, अल्लाह पाक की देन है। और हमारा राशन आ गया और इमरान भाई का नहीं था, तो मैंने कहा उधर से जो दालों वगैरह हैं कुछ हैं वो जो है ना दे दें, तो पता भी नहीं चला कि अल्लाह पाक ने जो है ना हेल्प भेज दी माशाल्लाह। जी बिल्कुल माशाल्लाह, ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है जी, अल्लाह पाक खुद जानने वाले हैं कितना मुश्किलात होकर जो है ना वो अपने रोजी के हिले के वसीले से गए हैं। तो उधर गए, मैंने जैसे उनको कॉल की सुबह, मैंने कहा आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत ज्यादा खुश हुए, मैंने कहा कैसे देना, उन्होंने कहा मेरी वाइफ को दे दें अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको भी अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा अजर देना है, वो इसलिए देना है कि आप उनका दिल जीता है आपने, और वो जिस सिस्टर ने दिया है उसको तो अल्लाह पाक बहुत ज्यादा देंगे ना, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा बच्चों को खुश रखे। और स्किप नहीं करना वीडियो, क्योंकि आगे एक और भी सरप्राइज है, और भी सरप्राइज है, आज सारी वीडियो में सरप्राइज ही सरप्राइज है। सब गरीबों के जो है ना हमने दिल जीतने हैं, और दिलों से जो है ना खास खास दुआएं लेनी है। तो अभी जो है ना चलते हैं, और इंशाल्लाह आप मिलेंगे दूसरे सरप्राइज के साथ। क्या सरप्राइज किसका है? ओके हो गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत बिल्कुल ठीक है, शुक्र। चटनी बना रही हो? जी हां। खाना खाना है? वो जो रात काले चने बनाए थे वो नहीं बचे? चने बनाए थे, रात थोड़े टाइम सवेरे खाते थे, रात खाते थे।
सुबह के हो गए शाम के हो गए। चलो ठीक है, चटनी बना दो, लस्सी छत्ती पी के जो है ना अभी खाना खा लेंगे, ठीक है ना। और वो किधर गया आपका हीर रांझे वाला जैन? हाँ जी, बाहर गया हुआ है। सही है। अस्सलाम वालेकुम अबू जान, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? माशाल्लाह। और खाने का इंतजाम हो रहा है? माशाल्लाह। खाना खाने के लिए। और आपने ये स्ट्रिप लेजर लगाया है फ्रिज को, कैसा रिएक्शन आ रहा है आप फ्रिज का? जबरदस्त चल रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बस यही देखना था कि पूरी लाइट दे रही है ना, बिजली पूरी दे रही है फ्रिज, तो कूलिंग अच्छी हो रही है। बिजली जितना काम हो रहा है पूरी काम कर देता है। हाँ जी। चलो ये है कि हमारे वो डरे हुए थे ना, उनसे जान छूट गई, अल्लाह पाक खैर करे वैसे तो। और ये चलो सेफ्टी के लिए तो है, ये तो पता है कि सेफ्टी हो गई है इनकी। हाँ जी, डर नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, बट डर यही रहेगा कि बेल जो है ना कि आप तक कितना आता है। बेल का डर तो रहेगा, अल्लाह पाक खैर करे। एक डर तो रहता है। हाँ जी, 70-80 रुपये यूनिट है, बहुत महंगी होगी। चलो अल्लाह खैर करे। और कहाँ जा रही हो मैडम? ये ना उन्हें लेके जा रही है, कहते कि वहाँ चले अम्मी के पास। उन्हें तू सा किडे वेंदे पियो सोना पोते किडे वेंदे पियो बाहर है? अभी बाहर जा रहे हैं। चलो खाना शाना बनाए हैं। फिर जो है ना दूसरा सरप्राइज है, थोड़ा दूर है। हाँ जी, थोड़ा दूर है हमसे, यानी कि इतना ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। हाँ। कुछ सफ़र है और उधर जाएंगे, और उधर भी इंशाल्लाह जिसका सरप्राइज है वो उनको देंगे, और कितना सरप्राइज है वो भी दिखाएंगे। हाँ जी। माशाल्लाह जी प्यारे व्यूअर, अभी जो है ना हम जा रहे हैं उधर जिधर जो है ना दूसरा सरप्राइज देना है ना। हाँ जी। और बेगम साहब अभी मेरे साथ है, और उसके बाद हानिया भी मेरे साथ है, और हम तीनों जो है ना जा रहे हैं सरप्राइज देने, और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको बताएंगे। माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना दूसरी हेल्प जिसकी देनी थी हम पहुंच चुके हैं, उनके घर पहुंच चुके हैं ना। हाँ जी। तो अभी जो है ना चलते हैं, देखते हैं कि घर में कोई है या नहीं है, क्योंकि हेल्प तो हमने लाजमी देनी है। अगर नहीं भी होए तो हम बैठ जाएंगे, हेल्प दे के जाएंगे। हाँ जी। ठीक है ना। और उधर जाके बताते हैं कि किसकी हेल्प है और कितनी है, और उसको भी बताएंगे कि किसने भेजी है, उसको बताएंगे। बाकी तो सब बहन भाइयों को पता है ये हेल्प जो है ना कल जो सिस्टर ने हमें दिया था सरप्राइज, उन्होंने दी है। ठीक है ना। तो अभी जो है ना चलते हैं, देखते हैं कि घर में कोई है या नहीं है। इधर देखें, ये बड़ा सा दरख्त है, छांव भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, और बाहर है भी कोई नहीं है। देखें चारपाई भी खाली पड़ी हुई है। आगे चलो, आगे आप चलो ना। माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना एक और भी आपको सरप्राइज देना है, क्योंकि जिसकी हेल्प जो है ना देनी है, तो उनका जो है ना उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल व्लॉग बना सकते हैं, क्योंकि सिस्टर ने कहा था कि आप ना व्हाट्सएप पे जो है ना उसका क्लिप बना के मुझे भेज देना, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा जो है ना व्लॉग बना दें, ताकि और कोई बहन भाई जो है ना गरीब बंदे हैं, और कोई बहन भाई हेल्प करना चाहे तो उनकी कर सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि व्लॉग में जो है ना हमारी जो है ना व्लॉग बना दें, अपनी वीडियो में डाल देना। तो अभी चलते हैं, और यानी कि एक किस्म का जो है ना फेस रिवील है, और अब सब बहन भाइयों को दिखाते हैं। माशाल्लाह जी पहुंच चुके हैं जिन जिनको हेल्प देनी थी, और माशाल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो जी? बच्चे सब ठीक है? अल्लाह का करम है। बैठ जाओ बैठ जाओ मैडम, बैठ जाओ। और सुना है सिस्टर, ठीक हो? जी हाँ। तबीयत सेहत ठीक है? बच्चे ठीक हैं? जी हाँ। घर वाला बाकी सब सैर खैर खैरियत है? अल्लाह का करम है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे। तबीयत का सुनाओ, टांग का सुनाओ। टांग अभी भी वैसी है, मजबूर हूँ। ठीक नहीं हुई जो एक्सीडेंट हुआ था? जी नहीं। तो फिर अपना चलती हो आहिस्ता आहिस्ता या? थोड़ा बहुत चल लेती हूँ। सही है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो। जी हाँ। और वो जो मसला था आपके गुर्दों का, वो फेफड़ों का था, क्या था? पानी फेफड़ों में था? गुर्दों फेफड़ों में पानी था। हाँ, गुर्दे और फेफड़ों में पानी था, तो वो इलाज करवाया है आपने? जी नहीं। नहीं करवाया? अपना घर का राशन जो वो भी ऐसे नहीं होता आसानी से। सही। जो तरीका कार के आते वो भी पूरा नहीं होता राशन, तो कैसे वो दवाई ले और कैसे वो अपना इलाज। सही बात है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, दुआ कर सकते हैं
अल्लाह पाक आपको खुशियाँ नसीब करे और आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाए। और ये बच्चे, दो ये बच्चे हैं और एक एक बेटा और भी है, वो बाहर खेल रहा है, छोटा है ना इनसे। तीन बच्चे हैं सिस्टर के, और इनके घर वाला जो है ना वो मजदूरी करता है सारा दिन, दिहाड़ी पे 200-400 जो भी बनता है वो बस राशन होता है। इसी वजह से जो है ना इस सिस्टर को तकरीबन 2 साल हो गया, इनका जो है ना इलाज अभी तक नहीं हुआ, फेफड़ों और गुर्दों में भी पानी है, और एक्सीडेंट हुआ था, ये एक टांग भी मजूर है, यानी अभी इतना चाल भी नहीं सकती। और एक प्लेटें अभी भी है टांग में जी हाँ। वो निकालवा ही नहीं है अभी, नहीं प्लेटें भी हैं टांग में और अभी तक जो है ना नहीं निकाल रही। अल्लाह पाक आपको सेहत दे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका इलाज इंशाल्लाह हो जाएगा। तो फिर आपके घर वाले किधर गए हैं? वो मेहनत करते हैं, कभी 100 के कभी 50 के। हाँ वो यानी गए हुए हैं अभी मजदूरी पे जी हाँ, घर में नहीं है। नहीं सही है। तो आप कोई ऐसा कोई घर का काम यानी जैसे हुनर वगैरह होता है ये चीज़ें आप कोई कर सकती हैं? आप जैसे कोई यानी औरतों में जैसे ये कपड़े सिलाई करती है शुमैला, तो आपके पास कोई हुनर वगैरह हो? मैं भी सिलाई करती हूँ और मशीन पहले भी थी, जब से एक्सीडेंट हुआ था तो घर के सारे कुछ जो सामान थे वो बेच कर मैंने अपने ऊपर लगाया, अभी तक भी टांग सही नहीं हुई इसलिए मशीन भी बेच दी, अब वो सिलाई का काम भी नहीं करती। जी जी, तो यानी पहले आप कपड़े सिलाई कर लेती थी जी, तो मशीन भी थी, जब आप टांग का मसला हुआ तो वो बेच दी, यानी आपने इलाज करवाया है जी हाँ। चलो अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर करेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अगर कोई बहन भाई हेल्प करेगा तो इंशाल्लाह आपकी मशीन भी आ जाएगी, तो ताकि आप और काम तो नहीं कर सकती ना, ताकि घर बैठ के अपने बच्चों के तो खर्चा पानी आपका निकल आएगा बच्चों के लिए। आपके हस्बैंड जो है ना बाहर मजदूरी करते हैं, कुछ हो जाएगा और आप सिलाई यानी कर लेती हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कहीं ना कहीं वसीला बनाएगा। और आपके लिए ना हम एक हेल्प ले आए हैं, और हेल्प जो है ना वो कितनी है वो आपको दिखाते हैं, और ये भी बताएंगे कि किसने भेजा है, और ताकि आपके कुछ दिन जो है ना अच्छे तरीके से गुजर जाएं। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले जो है ना इस सिस्टर ने जिन्होंने हमारी हेल्प की है उन्होंने जो है ना पहले मुझे दिए थे कुछ हेल्प, जब फ्रिज आई थी तो उस टाइम उन्होंने कहा था 2000 दिए थे कि जो गरीब हो उनको जो है ना आपने ये 2000 दे देना है, तो मैंने इस सिस्टर को दे दिया था वो 2000। तो सिस्टर ने फिर दोबारा इनकी हेल्प भेजी है, और आपको दिखाते हैं कि कितनी हेल्प है, और आप बिस्मिल्लाह करें सिस्टर को जो है ना हेल्प दें। एक एक हो गया, दो हो गए, ये तीन, तीन और ये चार, चार हो गए, ये पांच, पांच छे हो गए, सात भी हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 10,000 उस सिस्टर ने भेजा है जो आपको पहले मैं 2000 दे के गया था, ठीक है ना? तो बहुत सारी दुआएं करनी है सिस्टर के लिए, उनके बच्चे आमीन आमीन, उनके घर वालों को भी खुश रखे जो आमीन गरीबों की मदद की है इसने, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बस दुआ करनी है आपने, और इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बनाएगा ताकि आप घर बैठी रहती हैं कुछ ना कुछ, अगर आपकी मशीन आ जाए सिलाई मशीन तो आप कुछ ना कुछ जो है ना अपना यानी कपड़े वगैरह सी के घर का सरकार चला सकती हैं, यानी कि आपके पास हुनर है। तो ये सिस्टर ने हेल्प भेज दिया है तो इसी वजह से हम आए थे, तो सिस्टर के लिए बस दुआ करनी है आपने, और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं ना वो आप यानी कोई दाने वगैरह या जो भी आपके घर की चीज़ें ना हो वो आप बेशक अपनी मर्ज़ी के साथ जो है ना चीज़ें लेके अपना खा पी सकती हैं, ठीक हो गया? हाँ जी। तो माशाल्लाह जी अभी जो है ना हेल्प हमने, ये दूसरी हेल्प ही थी जो मैंने बताया है, पहले एक इमरान भाई की थी वो हमने भाभी साहिबा को दे दी थी क्योंकि इमरान भाई तो थे नहीं घर, तो दूसरी हेल्प इस सिस्टर की थी, तो ये भी माशाल्लाह हेल्प हमने दे दी है, अल्लाह पाक का शुक्र है। और अल्लाह पाक दुआ करनी है सिस्टर के लिए कि अल्लाह पाक जो है इनको सेहत दे, क्योंकि एक तो गुर्दे का मसला है, दोनों गुर्दों में जो है ना पानी है और फेफड़ों में भी पानी है, और इतनी फुर्सत नहीं है कि ये अपना इलाज करवा सकें। ये तीन बच्चे हैं और इसका हस्बैंड जो है वो दिहाड़ी पर काम करता है, जैसे हम काम करते हैं 200-400 दिहाड़ी इतनी होती है घर का, यानी कि बस
मुश्किल से जो है ना राशन आता है। और अभी जो है ना ये बता रही थी सिस्टर के हमारे जो है ना दाने भी नहीं हैं, तो मैंने कहा आप दाने भी ले लेना और आपका घर का जो भी सर्किट है वो आप चला लेना। और क्योंकि ये तो नहीं है, दाने इतने महंगे हैं। और पहले अपना मेरे साथ काम करते थे, आपके हस्बैंड हैं तो एक ही गांव के, तो वो मेरे साथ थ्रेशर मशीन जो होती है उस पर काम करते थे, तो उनके जो भी दाने बने थे, हमारे जितने बने थे आठ आठ मन जितने भी बने थे और उनके भी उतने बने थे। और जब ये सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ है तो उन्होंने दाने बेच दिए घर के, और अपना वो मशीनें वगैरह जो भी हुनर करती थी वो भी बेच के इसकी टांग का जो है ना इलाज करवाया। तो अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह आपकी टेंशन अल्लाह पाक दूर करे और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक पूरी करेगा। और अभी जो है ना हम चलते हैं, चलें फिर, टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है। और बाकी की जो वीडियो है वो सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे और आपने हमारे साथ जुड़े रहना। माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना हम फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं ना, घर जो है ना पहुंच चुके हैं और सिस्टर को जो है ना हेल्प हमने दे दी है। और उसके साथ साथ जो है ना फेस रेवल भी हो गया उनका, क्योंकि पहली बार जो है ना व्लॉग में आई हैं, उन्होंने खुद कहा है, हमने फिर भी कहा है कि अगर आप ना आना चाहें तो कोई मसला नहीं है, हम आपको क्लिप बना के सिस्टर को व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हाँ जी। तो उन्होंने कहा है नहीं, मेरी वीडियो भालो, मेरे घर के हालात जो है ना बहुत ख़राब हैं, जैसे भी यानी खाना पीना मुश्किल है, दाने वगैरह हैं नहीं, कुछ नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने उसका फेस रेवल भी काट दिया है, और साथ साथ उसको जो हेल्प आई थी, सरप्राइज आया था, सिस्टर ने भेजा था, वो भी दे दिया है। और माशाल्लाह जी यहाँ पे व्लॉग भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।